हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिजिड पेमेंट के बारे में। व्हाट इज़ रिजिड पेमेंट एंड व्हाट आर द लेयर्स ऑफ रिजिड पेमेंट, तो कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको पूरा डिटेल समझ आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। रिजिड पेमेंट इज़ ए पेमेंट विच इज़ कंस्ट्रक्टेड बाई यूजिंग पोर्टलैंड सीमेंट कॉन्क्रीट रेस्टिंग ऑन नंबर ऑफ लेयर्स लेयर्स दैट इज सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स एंड लास्ट इज अवर कॉन्क्रीट स्लैब। रिजिड पेमेंट यानी कि ऐसा पेमेंट होता है जो कि पोर्टलैंड सीमेंट कॉन्क्रीट की मदद से बनाया जाता है, जिसके नीचे बहुत से नंबर ऑफ लेयर्स होते हैं। फर्स्ट जो होगा हमारा सब ग्रेड, जो कि एग्जिस्टिंग सॉइल होता है, उसके ऊपर होगा हमारा सब बेस कोर्स, उसके ऊपर आएगा हमारा बेस कोर्स, लास्ट होगा हमारा ड्राई लीन कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट पेमेंट। फर्स्ट होगा हमारा कॉन्क्रीट स्लैब। कॉन्क्रीट स्लैब को हम सरफेस कोर्स भी बोलते हैं, जो कि हमारा टॉप मोस्ट लेयर होता है। कॉन्क्रीट स्लैब, कॉन्क्रीट स्लैब इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अ रिजिड पेमेंट विच इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वहीकुलर ट्राफिक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सरफेस कोर्स। कॉन्क्रीट स्लैब जो है हमारा टॉप मोस्ट लेयर होता है, जिसको जो कि डायरेक्ट ट्राफिक के कॉन्टैक्ट में होता है, इसको हम जो है सरफेस कोर्स भी बोलते हैं। और इसकी थिकनेस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी थिकनेस होती है 150 mm से लेकर 300 mm तक थिकनेस होती है। और एक वाटर रेजिस्टेंट सरफेस की तरह एक्ट करता है ये, जो भी ऊपर पानी होता है वो अंदर पेनिट्रेट होने से रोकता है, और जो है ना हमारे ट्रैफिक को एक बेटर फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, बेटर एक स्किड रेजिस्टेंट सरफेस प्रोवाइड करता है हमारे ट्रैफिक के लिए। और सेकेंड लेयर रहता है अपना बेस कोर्स, जो कि हमारे कंक्रीट पेमेंट के नीचे होता है। इसको जो है क्रस्ट क्रस्ट एग्रीगेट की मदद से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। दिस कोर्स आल्सो हेल्प्स कोर्स टू टेक द एडिशनल लोड्स एंड इट्स प्रोवाइड अ स्टेबल प्लेटफॉर्म टू द रिजिड पेमेंट। और उसका मेजर एडवांटेजेस में से एक है कि ये सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करता है। और इसकी थिकनेस की अगर हम देखेंगे तो मिनिमम थिकनेस जो है इसकी 100 mm है, उससे कम आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। और नेक्स्ट लेयर होता है अपना ग्रैनुलर सब बेस। इट इज़ अ थर्ड लेयर फ्रॉम द टॉप एंड इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद सबग्रेड एंड बेस कोर्स एंड इट इज़ यूजुअली कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग लो क्वालिटी एग्रीगेट्स। अगर सब बेस की अगर हम बात करेंगे तो सब बेस जो है, अगर आपका ट्रैफिक लोड बहुत कम है तो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप बेस कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, सब बेस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपका ट्रैफिक लोड ज़्यादा है तब आपको प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है सब बेस। और लास्ट हमारा बॉटम मोस्ट लेयर होता है, वो है सबग्रेड सॉइल, यानी कि एग्जिस्टिंग सॉइल विच इज़ कॉम्पैक्टेड बाय यूजिंग इक्विपमेंट टू प्रोवाइड अ सूटेबल प्लेटफॉर्म फॉर रिजिड पेमेंट। जो एग्जिस्टिंग सॉइल होती है हमारी बॉटम मोस्ट, उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है अच्छी तरीके से, ताकि जो भी अपना ऊपर रिजिड पेमेंट होता है उसको एक स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड हो सके। द सबग्रेड सॉइल्स आर सब्जेक्टेड टू लोअर स्ट्रेसेस देन टॉप लेयर्स, सिंस द स्ट्रेसेस विल रिड्यूस द डेप्थ। जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होता है ऊपर ट्रैफिक कंडीशन से, वो सबग्रेड में कम होता है एज कम्पेयर टू टॉप लेयर्स। सबग्रेड सॉइल्स में वेरी कंसिडरेबली, द स्ट्रेसेस कमिंग फ्रॉम द टॉप लेयर इज रिसीव्ड बाय डिफरेंट सॉइल्स इन डिफरेंट मैनर्स। डिफरेंट तरीके की सॉइल होती है, आपको डिफरेंट कंडीशन होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट उसकी स्ट्रेंथ होती है। सम सॉइल्स में रेजिस्ट देम एंड सम मे नॉट, इट डिपेंड अपॉन द इंटर रिलेशनशिप ऑफ टेक्सचर एंड डेंसिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड। सो प्रॉपर एग्जामिनेशन शुड बी डन ऑन सबग्रेड। सो जब भी आप रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है सबग्रेड सॉइल का, ताकि जो भी हमारा ट्रैफिक लोड हो सकता है वो सस्टेन कर सके और एक अच्छा लाइफ स्पैन प्रोवाइड कर सके। तो दैट्स इट, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हो तो हम चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।